एशिया कप में नाकामी। शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनाए जाने पर गौर शुरू हो गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद कौमी टीम का अगला बड़ा इम्तिहान भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है। इसके आगाज से कबल कौमी टीम मुतअद्दिद महाजों पर बरसरे पैकार दिखाई देती है। बिलखुसूस कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इन दिनों सख्त तनकीद की जद में है। एशिया कप में भारत के खिलाफ कोलंबो और फिर प्रेमादासा स्टेडियम में श्रीलंका के मुकाबले पर सुपर फोर मरहले के अहम मैच में उनकी कप्तानी के अंदाज पर सवालात उठाए गए हैं। कप्तान को रखने या हटाने का बराह रास्त फैसला चेयरमैन का इख्तियार है। अलबत्ता इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी जका अशरफ बाबर आजम को वर्ल्ड कप से कबल कप्तानी के मनसब से तो नहीं हटा रहे, लेकिन कौमी टीम के अहम तरीन खिलाड़ी और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को शादाब खान की जगह नायब कप्तान बनाए जाने का कवी इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।